देखो यहाँ पर लिखा विश्व बौद्ध शांति स्तूप, मतलब बौद्ध विश्व बौद्ध शांति स्तूप का मतलब है कि विश्व में शांति रहनी चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में स्तूप क्यों बनाए थे? तो मेरे दोस्त लोकेश हैं, मेरे साथ आए हुए हैं आज बौद्ध शांति स्तूप में, और ये कुछ बताना चाह रहे हैं। तो बताइए लोकेश, क्या कहना चाह रहे हो? दोस्तों जय भीम। दोस्तों मैं लोकेश गौतम, आज हम दिल्ली आए हैं और हम बुलंद शहर से इतना दूर दिल्ली आए हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, ताकि हम आगे भी ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको बताएँ और उनके बारे में जानकारी बताएँ। और भी जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी बताएँगे, जो कि हम आगे वीडियो में देते रहेंगे आपको। तो एक बात बता दूं दोस्तों कि आप मेरे चैनल को देखते तो हो, वीडियो पूरी वॉच भी करते हो और आप चैनल पर व्यूज़ भी लाते हो, मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो कहना था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और बेसिकली इसको पता क्या बोलते हैं? हेलो दोस्तों, जय भीम, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल गौतम और मैं आपका स्वागत करता हूं गौतम नाग यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको आज लेकर आया हूं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पार्क में, जो कि पड़ता है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में। तो मैं यहां पर एक बौद्ध शांति स्तूप है, तो मैं उसको दिखाऊंगा जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क में ही पड़ता है। तो मैं यहां पर आपको बौद्ध शांति स्तूप का व्यू दिखाऊंगा और यहां पर इसका व्यू भी बहुत काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। तो आपको आने के लिए यहां पर हजरत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, या बाया कार वगैरह या बस वगैरह से भी आ सकते हैं, यहाँ से मेट्रो से भी आ सकते हैं आप। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब के बराबर में लाल कलर का घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएँ। तो चलते हैं, बहुत शांति स्तूप का व्यू दिखाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों गेट के एंट्रेंस की तरफ और मैं दिखाता हूँ बौद्ध शांति स्तूप का व्यू, और वो व्यू काफ़ी शानदार और बेहतरीन होगा। देखो यहाँ पर लिखा विश्व बौद्ध शांति स्तूप, मतलब बौद्ध विश्व बौद्ध शांति स्तूप का मतलब है कि विश्व में शांति रहनी चाहिए। और तथागत बुद्ध का एक मैसेज था कि विश्व में शांति रहेगी तो विश्व तभी ही तरक्की कर पाएगा। मतलब कोई भी देश हो, जापान है, जापान बुद्ध के रास्ते पर चलता है, तो और आज वो इतना डेवलप्ड कंट्री है, तो वो किस कारण है? वो तथागत बुद्ध के कारण है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपने शांति रखिए और ना ही किसी से दुश्मनी रखिए। तो आपको भी बुद्ध के दिखाए हुए रास्तों पर चलना है। दोस्तों दिखाता हूँ बौद्ध शांति स्तूप और दिखाऊंगा डिटेलिंग और बताऊंगा कि बौद्ध शांति स्तूप क्यों बनाया गया था। और आज मेरे साथ में मेरा दोस्त लोकेश भी आया हुआ है। लोकेश बताओ भाई, कैसे दोस्तों बताओ कैसे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो गौतम बुद्ध के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दें और हम बता सकें, हमारा भी मनोबल हो, ताकि जो हम इतना दूर आते हैं बुलंद शहर से दिल्ली आए हैं, काफ़ी परेशानियां होती हैं। जो कि हजरत निज़ामुद्दीन के पास में एक इंद्रप्रस्थ पार्क है, इंद्रप्रस्थ पार्क से ही सटा हुआ एक बौद्ध शांति स्तूप है, जो कि 2007 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन करने के लिए बौद्धों के 14वें धम्म गुरु दलाई लामा जी आए थे। इसका निर्माण जो है 2004 में कराया गया था
और जो उस समय वर्तमान गवर्नमेंट में शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री, बहुत शांति स्तूप इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे तो जापान गवर्नमेंट ने हर कंट्री की राजधानी में एक एक बौद्ध स्तूप बनवाया था, तो जो कि 2007 में यहाँ पर बना था। और बनाने का मैसेज यह था कि लोगों को तथागत बुद्ध के बारे में पता चले और तथागत बुद्ध के शांति के बारे में पता चले, क्योंकि तथागत बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है और जो कि एक शांति की अनुभूति देता है। तो बता देते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमेशा ही बताया था कि ना ही किसी से राग द्वेष और तृष्णा रखनी चाहिए, राग द्वेष तो इससे दूर होकर तथागत बुद्ध ने एक शांति का उपदेश दिया था। बौद्ध स्तूप किस लिए बनाए थे? बौद्ध स्तूप इसलिए बनाए थे क्योंकि तथागत बुद्ध ने बोला था, अपने शिष्य आनंद से बोला था कि जब मेरी मृत्यु के बाद में मेरी अस्थियों पर, जैसे कि राजाओं की अस्थियों पर एक स्तूप बनाया था, तो मेरी अस्थियों पर भी एक स्तूप बनाया जाना चाहिए जिससे कि लोग मेरी शांति को जाने और मैंने क्या मैसेज दिया है उसको जाने। तो उनके शिष्य आनंद थे तो उनको उन्होंने बोला था कि आनंद से कि मेरी अस्थियों पर भी एक स्तूप निर्माण किया जाए, जो सबसे पहला स्तूप बनाया गया था जो कि सांची में बनाया गया था। जो दोस्तों चलते हैं बहुत शांति स्तूप की तरफ और दिखाता हूँ इसका व्यू, कैसा व्यू है। व्यू तो काफ़ी शानदार लग रहा, ब्यूटीफुल है और दिखा देता हूँ मैं आपको। और बेसिकली इसको पता क्या बोलते हैं, यह तोरण द्वार है, जैसे कि सांची का स्तूप है ना, तो उसमें भी एक तोरण द्वार बने हुए हैं। मतलब उसमें तो सांची का स्तूप है तो उसमें तो चारों तरफ ही एक एक तोरण द्वार बने, चारों दिशाओं में एक एक तोरण द्वार बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही एक तोरण द्वार बना हुआ और इसकी नक्काशी देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इस पर तोरण द्वार पर प्राचीन काल की नक्काशी हो रखी है। तो दिखा देता हूँ नक्काशी, मैं कुछ पास से दिखा देता हूँ नक्काशी, बहुत काफ़ी डिटेलिंग में दिखा रखी नक्काशी। देखो यहाँ पर एक सारनाथ में बुद्ध की ललाट का जो अशोक स्तंभ है, वो दिखा, धम्म चक्र है और बाकी ऊपर मतलब कि बौद्ध से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यह एक तोरण द्वार है, तोरण द्वार का मतलब होता है कि तोरण द्वार चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो तथागत बुद्ध के जन्म को दर्शाता है, दूसरा कि तथागत बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, ज्ञान प्राप्त किया था, और तीसरा कि तथागत बुद्ध ने जहाँ पर उपदेश दिए थे उसको दर्शाता, और चौथा दर्शाता है तथागत बुद्ध की मृत्यु को, मतलब कि डेथ को। तो चार तोरण द्वार बनाएंगे उसका, मतलब सांची में एक ऐसा दिखाएगा। मैं आपको, मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं आपको आने वाले समय में भी सांची में भी जो बौद्ध स्तूप है उसका भी एक व्यू लेकर आऊँगा, बहुत काफ़ी अच्छा व्यू लेकर आऊँगा। तो चलते हैं इसके अंदर ही। दोस्तों अभी मैं जब यहाँ पर आया था, लोकेशन में अभी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बारिश होने लग गई थी और बारिश में मैं तो सोच रहा था कि अभी ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मगर हाँ बारिश रुक गई है तो ब्लॉग मैं शूट करने लग गया हूँ। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, एक धरोवर का जैसा होता है कि एक बताने के लिए इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं कि अब कब और क्या कैसे, कब और क्यों और कैसे बनाया गया था ये, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने होते हैं तो यहाँ पर जूते चप्पल उतार देता हूँ मैं।